हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, मई 22 अटेम्प्ट। सर, आप लोगों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, होने भी थे क्योंकि सीबीएसई के साथ आप लोगों के पेपर जो थे वो क्लैश कर रहे थे। ठीक, तो आईसीए ने आप लोगों के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। पहले जो आपके एग्जाम है वो 23 मई से शुरू हो रहे थे, नाउ वो एक महीना पोस्टपोन हो गए हैं। अब 24 जून से आप लोगों के एग्जाम शुरू होंगे। ये आईसीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुली भी हुई है, एक बार हम देख लेते हैं ये क्या कहता है। आईसीए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, रीशेड्यूलमेंट ऑफ फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन मई 22। द इंस्टीट्यूट वाइड इट्स अनाउंसमेंट नंबर 13 सीए एग्जाम्स मई 22 डेटेड 21 जनवरी अनाउंस्ड द शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मई 22 एग्जामिनेशन अमंग अदर एग्जामिनेशन फाउंडेशन एग्जामिनेशन मई 22 आर टू बी हेल्ड ऑन 23, 25, 27, 29। ये आपकी पुरानी डेट शीट थी सर, 23 मई, 25 मई, 27 मई और 29 मई को आपका पेपर होना था। नाउ द सीबीएसई टर्म टू एग्जाम्स 21-22 सेशन एंड द काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट आईसीएसई सेमेस्टर टू ईयर 22 हैव अनाउंस देयर शेड्यूल फॉर एसएससीएस 12th क्लास 12th एग्जाम ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिस वजह से सर आईसीए को अपने एग्जाम पोस्टपोन करने पड़े। टू मिटिगेट द हार्डशिप ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द अफोरमेंशन एग्जामिनेशन एंड द साइमल्टेनियसली परसुइंग सीए फाउंडेशन कोर्स एग्जाम इन मई 22, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रीशेड्यूल द डेट्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स फॉर मई 22 एंड द रीशेड्यूल डेट्स आर एज फॉलोज 24, 26, 28 और 30। अब आपके सर एग्जाम कब होंगे? 24 जून, 26 जून, 28 जून और 30 जून। इट मे बी एम्फेसाइज दैट देर वुड बी नो चेंज इन द एग्जामिनेशन शेड्यूल इन द इवेंट ऑफ एनी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, ध्यान से देखो। इट मे बी एम्फेसाइज दैट देर विल बी नो चेंज इन द एग्जामिनेशन शेड्यूल इन द इवेंट ऑफ एनी डे ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल बींग डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल हॉलीडे। वो कह रहा है सर, इस चारों दिन अगर कोई गवर्नमेंट छुट्टी भी पड़ जाती है तब भी सर आपका एग्जाम रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट छुट्टी भी पड़ जाती है इन चारों दिन किसी भी रीजन की वजह से, तब भी सर आपका एग्जाम होगा। तो ये डेट कहते हैं ना, पत्थर की लकीर है। अब ये 24, 26, 28, 30 किसी भी हालत में आईसीए अभी इस डेट को चेंज नहीं करने वाला। ठीक सर, बहुत अच्छा ही मूव किया आईसीआई ने, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे क्लास 12th वाले बच्चे हैं जिन लोगों को सीए फाउंडेशन में देना था, अब सीबीएसई के साथ उनके पहले क्लैश कर रहे थे तो दिक्कत आती बच्चों को देने में। नाउ आईसीआई ने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है और एक महीने की आप लोगों को पोस्टपोन मिली है, पोस्टपोनमेंट मिल गई है। अब सर क्या एक महीने हम इंजॉय करें, क्या करें क्या ना करें? गाइस, एक महीना है तो एक महीने को एक एक्स्ट्रा बोनस समझ के, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज समझ के सर आप लोगों को और मेहनत करके अच्छे से एग्जाम्स को निकालना है। ठीक है जी, तो मैं आपको यही बोलूंगा सर, जब भी एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो आपके लिए बोनस है। उस बोनस को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपके ऊपर है, या तो आप उसको खराब कर दो, वेस्ट कर दो, या सर उसमें से कुछ बेनिफिट, कुछ एक्स्ट्रा चीज निकाल के आप लोग परफॉर्म करो। ठीक, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा सर, टाइम वेस्ट नहीं करना और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। आगे क्या कहता है, हाउएवर इट इज क्लैरिफाइड दैट अदर पर्टिकुलर डिटेल अनाउंस। वो कह रहे हैं सर बाकी सारी चीजें सेम है, जैसे एग्जाम फॉर्म वगैरह की जो डेट थी उसमें कोई आपकी पोस्टपोनमेंट नहीं है। एग्जाम फॉर्म की डेट 13 मार्च थी, ठीक, और मेरे ख्याल से लेट फीस के साथ 20 मार्च है, तो वो आपकी वही फी डेट रहेगी। एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को चेंज नहीं किया इन्होंने, सिर्फ एग्जाम्स की डेट को चेंज किया है। ठीक है जी, तो गाइस एक महीने की एक्सटेंशन आपको मिली है, तो एक महीने की जो एक्सटेंशन है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज करिएगा। ठीक, अच्छा मेरा भी अब थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा रिवाइज होगा। पहले मैं आप लोगों का जो प्रैक्टिस बैच है वो आपका कमिंग वीक में, मतलब 20 होली के बाद मैंने शेड्यूल किया था, 20-21 तारीख से मैं शुरू करने वाला था। अब क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम डिले हो गया तो मैं अपने जो प्रैक्टिस बैच है उसको 1 हफ्ता 10 दिन और लेट शुरू करूंगा, सो दैट आप और अच्छे से, जिसका भी कोर्स वोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो और अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट कर ले, अपने सारी चीजों को कंप्लीट करके रखेगा, तभी मैं सर आप लोगों का बैच स्टार्ट करूंगा। तो अब मेरा बैच भी सर 1 हफ्ता 10 दिन बाद ही प्रैक्टिस बैच को हम शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, तो मोस्ट प्रोबेबली 1st वीक ऑफ अप्रैल में मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना प्रैक्टिस बैच। तो अब हम और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पूरा अप्रैल है पड़ा आपके पास, पूरा मई है, पूरा जून है, 3 महीने हैं, तो ये लगा लो सर 3 से भी ऊपर ही है महीने, क्योंकि मार्च का भी कुछ टाइम है। तो अब आप ये लगा लो कि जिस बच्चे ने अभी तक फाउंडेशन की ठीक से तैयारी करी भी नहीं होगी, वो भी अगर ये 3.5 महीने में लग जाए तो 3.5 महीने में वो फाउंडेशन को निकाल सकता है। अब आपके ऊपर है सर। ठीक, अगर जिसने अभी तक फाउंडेशन छुआ भी नहीं है ना, तो सर वो भी 3.5 महीने में अपने फाउंडेशन एग्जाम्स को निकाल सकता है। ठीक, अब मैं आपको यही गाइड करूंगा कि सर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मुझे क्लास लेनी है फॉर जून 22 अटेम्प्ट,
जो अब जूनी हो जाएगा अब ये, ठीक। तो पहले तो मैं उनको मना कर रहा था कि भाई May 22 में आपके एग्जाम है, अगर आप मेरी क्लास भी ले लोगे तो कोर्स कैसे कंप्लीट करोगे, तो बेटर टू गिव द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक। लेकिन अब मैं उन्हीं बच्चों को सर री एडवाइस करूंगा कि अगर अब आप लोग जून में प्लान कर रहे हो, तो जून में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो और आप क्लास बाय करना चाहते हो, तो अब आप क्लास बाय कर सकते हो, आप आराम से अपनी क्लास को कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है जी। क्लासेस कहाँ से बाय कर दिए, तो सर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है 9717175748, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स। अब आप जून वाले अटेम्प्ट के लिए अपने क्लासेस को लेकर तैयारी कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आराम से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और बस ध्यान रहे सर, आपके एग्जाम फॉर्म की डेट 13 तारीख थी, लेकिन 20 तारीख अभी भी है, 20 तारीख विद लेट फीस। तो जिसने भी अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, 20 तारीख तक लास्ट डेट है सर, लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म भर दो। जो सोच रहे थे दिसंबर में जाने की, सर वो जून में पेपर दे सकते हैं, जून में पेपर दे सकते हो, आपके पास टाइम 1 महीने का एक्स्ट्रा मिल गया है, ठीक है। बहुत सर इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो भी बच्चे दिसंबर में जाने वाले थे वो जून में पेपर दे दो, 20 तारीख अभी भी लास्ट डेट है, आप एग्जाम फॉर्म भर दो, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।